आप सभी को मेरा नमस्कार, हरिओम। हरिओम आप सर, सभी नमस्कार को सर आप सभी को काफी देर से मैं सुन रहा हूँ, ऊर्जा जी के ऊपर, और विशेष रूप से जो है सौर ऊर्जा के ऊपर। वो जी सौर ऊर्जा के ऊपर बस केवल थोड़ी सी बात रख करके और मैं अपने मूल दूसरे ऊर्जा स्रोत के ऊपर आऊंगा। सौर ऊर्जा के विकास में दो बड़ी अड़चन है। एक जो बड़ी अड़चन है वह है कि प्लेट की कॉस्टिंग घट नहीं रही है, और भारत में इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रहा है। अभी भी हम विदेशों की टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, और इस दिशा में जितने भी अपने भाई बहनों ने अपने विचार रखे हैं, इनमें से किसी ने इस विषय की ओर इशारा नहीं किया। दो बड़ी समस्या है सौर ऊर्जा में। पहला जो है वो प्लेट की कॉस्टिंग घट नहीं रही है, जबकि प्लेट की कॉस्टिंग बिल्कुल घटनी चाहिए। मैं स्वयं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और सारी टेक्नोलॉजी का मैंने अध्ययन किया है। उसकी कॉस्टिंग अगर हम चाहें तो 1/4 तक घटा सकते हैं, जिस पर कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है बैटरी डिस्पोजेबल का, कि बैटरी की कॉस्टिंग बढ़ जाती है और उसका जो डिस्पोजेबल है वो बहुत इजी आसान नहीं है, वो मिट्टी को बहुत ज्यादा बर्बाद करता है। तो ये दो बड़ी अड़चन है सौर ऊर्जा के विकास में, और सौर ऊर्जा को गांव तो गांव तक पहुंचाने में और इसको बहुत आसान करने में। तो ये जो दो विषय है, ये दो विषय पर यदि काम होता है तो निश्चित रूप से बहुत कम एफर्ट में हम सौर ऊर्जा को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर सकते हैं। मुझे सौर ऊर्जा पर केवल इतना ही कहना था। गुरुजी, आपने दो पॉइंट रेज किए सोलर के ऊर्जा केंद्र पे। मैंने उसी जी समझा कि मैं आपकी बात का जवाब जरूर दूं, अदरवाइज सब जो जितने भी ऑडियंस हैं उनको कंफ्यूजन रहेगा कि क्या वास्तव में ये प्रॉब्लम है। दो पॉइंट रेज किए सोलर के बारे में। पहला पॉइंट आपने रेज किया कि पैनल बनाने के यहाँ कारखाने नहीं है या सफिशियंट नहीं है। यस, पिछले 5 साल में हिंदुस्तान में जगह जगह पे कारखाने लगे हैं और लग रहे हैं, यहाँ पर पैनल बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लेट शुरुआत हुई इसलिए यहाँ डिमांड खूब है। पहले अवेयरनेस नहीं थी, अभी अवेयरनेस हुआ है और पैनल के प्राइसेस काफी डाउन आए हैं। जहाँ पहले $3 $4 प्राइस हुआ करते थे, अब हार्डली 16 रुपए 17 रुपए का रेट आ गया है। सेकेंडली, अभी यूज भी धीरे धीरे अवेयरनेस होने के कारण से लोगों ने कर दिया है। थर्डली, अभी क्या है, यदि पेट्रोल डीजल जितने भी कोयला दूसरे जो रिसोर्सेज एनर्जी के उनके कंपैरिजन में अभी प्राइसेस काफी डाउन आ गए हैं सोलर का, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बैटरी का डिस्पोजल का कहा, बैटरी का जितना भी लेड एसिड बैटरी हैं या दूसरी बैटरीज हैं उनका रिसाइकल होकर के उन बैटरीज का लाइफ टाइम पहले जो 2 साल 3 साल हुआ करता था, अब 5 साल 10 साल के लिए, इवन 15 साल तक की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो रिसाइकल उसकी डिस्पोजल की कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लेड इज रिसाइकलेबल, सेम लेड यूज होता है। इसी तरीके से जो लिथियमाइन की हैं उनकी तो 20 साल 25 साल की लाइफ की बैटरीज बन रही हैं। तो मैं समझता हूँ आपकी बात जो टेक्नोलॉजी के बारे में जो जो इंफॉर्मेशन है उसमें काफी सुधार हो गया है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा जो गाय के गोबर के बारे में, गाय का गोबर जो अभी हमारे राजस्थान में गांव में देते नहीं है इस एनर्जी बनाने के लिए, वो क्या यूज करते हैं, वो घर में यूज करना चाहते हैं जलाने के लिए या इकट्ठा कर करके उसको कोई फंक्शन में जब जरूरत है आग के लिए, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बाकी यदि आप कहते हैं और इस बारे में हैं तो हमारे साथ में ऊर्जा केंद्र के साथ भी कोई, दिस इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन मेक द एडिशन एंड वी कैन मूव फॉरवर्ड टूगेदर बिकॉज वी वॉन्ट ए टीम एंड विद अ लाइक माइंडेड रिसोर्सेज। So, हम हमारा वुमेन एम्पावरमेंट में, एनर्जी क्षेत्र में जो ऊर्जा खोलने का, पर्टिकुलरली जो बेरोजगारों को रोजगार देने का जो उद्देश्य है उसमें किसी भी क्षेत्र को जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेसिक पर्पज यही है कि इन अर्निंग बढ़े, लोगों की आमदनी बढ़ने से उनकी खर्च करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, उससे थोड़ा जीवन में उद्धार होगा। जैसे मिश्रा मैम ने बताया कि अपना जो है वुमेन्स का अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन हो, और मैं मीता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 50-50 सेंटर्स खोले, कि एटलीस्ट वुमेन्स के लिए 50% सेंटर्स रिजर्व करें और ग्राम पंचायतों में उनको प्रॉपर मौका दें और सबको साथ लेकर के चलें। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, स्पेशली मिश्रा मैम, रश्मि मैम, अनिता मैम, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और हम लोगों को का मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत आभार।
कहना चाहूंगी कि इट्स बीन अ वेरी बिग लर्निंग एक्सपीरियंस, और हम सब कोशिश करेंगे कि आपके सुझाव और आपको किसी ना किसी तरीके से इस पूरे प्रोग्राम में जोड़ के, ताकि हम कुछ आगे बढ़ सके और हम ये इनिशिएटिव ले सके, ताकि हम कुछ नया सा पे जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं उन पे जो बोलना चाहूंगी। और थैंक यू सो मच अमूर्जा ग्लोबल।